आज मेरे पास आ चुका है Vivo का V40 स्मार्टफोन जो कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वैसे तो इसकी जो सेल है वो यहाँ पर 19 अगस्त से स्टार्ट होगी, जो कि आपको भी पता होगा अगर आप इसको परचेस करने की सोच रहे हो। बट इसको परचेस करने से पहले आप इस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि ये स्मार्टफोन कैसा है और आपके लिए कितना ज्यादा सही रहने वाला है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूं। सो चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते इस स्मार्टफोन के लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो इसका जो लुक है वो कुछ इस टाइप का है। एंड ये जो कलर है वो लोटस पर्पल है, जिसको पहले मैं आपको सभी साइड से दिखा देता हूं ताकि आपको इसके लुक का अच्छे से आइडिया हो जाए। लुक के बाद बात करें अगर इसके डिजाइन की, साथ ही हमारे पास ये जो कलर है जिसका नाम है लोटस पर्पल, सो इसकी जो बैक है वो हमें यहाँ पर मैट फिनिश की मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको दो कलर और मिल जाएंगे जो कि टाइटेनियम ग्रे और गंगेस ब्लू। फ्रेम इसकी जो है वो प्लास्टिक की मिलती है जो कि हल्की सी ब्लेंडेड कर फ्रेम है, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप भी सही मिलती है, इवन इसका फील भी अच्छा है। कैमरास के साइड में ये जो फ्रेम है वो हमें यहाँ पर मेटल की मिलती है जो कि हल्की सी ग्लोसी लगती है, जिसकी वजह से इसके बैक का लुक अच्छा निकल कर आता है। पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो बॉटम साइड स्पीकर टाइप सी पोर्ट, माइक एंड सिम ट्रे मिलती है। टॉप साइड स्पीकर एंड सेकेंडरी माइक है। राइट साइड वॉल्यूम रोकर्स के साथ पावर बटन मिलता है। लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन मिलता है। और इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो अराउंड 7.5 mm है, जिसकी वजह से ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही ज्यादा स्लिम लगता है। एंड इसका वेट भी सिर्फ 90 ग्राम्स का है। तो ये तो रही बात अपने स्मार्टफोन के लुक, डिजाइन और फिजिकल ओवरव्यू की। एंड अब मैं करता हूं इसको पावर ऑन और बात करते हैं इसके डिस्प्ले कैमरा फीचर और इसके डिजाइन की। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है इसकी डिस्प्ले पर, जो कि 6.78 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन की एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली एक कर्व डिस्प्ले है। इवन अगर आप इसके बेजल्स पर ध्यान दो तो इसके जो बेजल्स है वो भी काफी ज्यादा लेस है, चाहे वो टॉप हो, बॉटम हो, लेफ्ट हो या राइट। एक चीज जो कि मैंने इसके अंदर नोटिस की जो कि मुझे बहुत ही सही लगी वो ये थी कि इसमें मुझे बहुत ही कम ब्लॉटवेयर और हॉट गेम देखने को मिले। हाँ, इसमें कुछ प्री इंस्टॉल ऐप थे बट हम इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। साथ ही 120 हर्ट्ज पर सर्फिंग करना एंड ऐप को ओपन और क्लोज करना भी बहुत ही स्मूथ है। एंड इसके फ्रंट ग्लास के जो प्रोटेक्शन है वो स्कॉट ग्लास प्रोटेक्शन है, जो अराउंड 30-35,000 रुपीस में सही है। अगर आप इसको इनडोर यूज करते तो आपको इसकी विजिबिलिटी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली। इवन आउटसाइड भी इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी सही मिलती है, क्योंकि इसमें 1200 निट्स HBM एंड 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। अदर फीचर्स की बात करो तो इसमें IP68 की रेटिंग मिलती है, मतलब आप इसको अंडर वाटर 1.5 मीटर की डेप्थ में अप टू 30 मिनट तक यूज कर सकते हो, बट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड सिक्योरिटी की बात करो तो इसमें एंड्रॉइड 14 एंड फ्रंट टच ओएस 14 मिलता है, जिसमें आपको 3 इयर्स के मेजर सॉफ्टवेयर एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं। बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर भी एक अच्छे स्मार्टफोन है, क्योंकि इतना स्लिम होने के बाद भी आपको इसके अंदर 5500 mAh की पीक बैटरी मिलती है, जो कि इजीली नॉर्मल यूसेज में आपका पूरा दिन निकाल देगी। इवन इसको चार्ज करने के लिए आपको इन द बॉक्स 80 वॉट की ब्रिक भी मिल जाएगी। मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए आपको इसमें YouTube और Netflix जैसे एप्स में HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके व्यूइंग एंगल एंड कलर्स वेल मेंटेन मिल जाते हैं, और आप इसमें डीप ब्लैक कलर का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Snapdragon 7 Gen 3 यूज किया गया है, जिसका जो इंटू स्कोर है वो अराउंड 8 लाख का मिलता है, जिसकी वजह से इसमें आप BGMI को इजीली स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग पर प्ले कर सकते हो। तो अगर आप कैजुअल एंड मॉडरेट गेमिंग करते हो तो आपको इसमें ज्यादा कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली, बट अगर आप एक हाई एंड गेमिंग फुल सेटिंग पर करना चाहते हो तो तब आपको इसमें थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में अगर बात करें अगर यहाँ पर इस स्मार्टफोन के कैमरास की, जो कि Vivo की V सीरीज के अंदर आने वाली सबसे मेन चीज है, तो फर्स्ट टाइम हमें Vivo के किसी नॉन प्रो मॉडल में जेस इंटीग्रेशन कैमरास मिलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ Vivo के फ्लैगशिप फोन में मिलता है। एंड इसमें तीनों ही कैमरा हमें 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं, जिसके मेन कैमरा से आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसकी जो क्वालिटी है वो आप अभी देख सकते हो। साथ ही आप इसे 24mm, 35mm और 50mm के पोर्ट्रेट फोटो भी क्लिक कर सकते हो, जिनकी जो क्वालिटी वो भी बहुत ही अच्छी है, जिनको आप अभी देख सकते हो। एंड वीडियो के लास्ट के अंदर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो वैसे तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो 35,000 रुपीस रखी गई है, बट 3500 रुपीस का बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद आप इसको फ्लिपकार्ट से 31,500 रुपीस के अंदर परचेस कर सकते हो, जिस प्राइस में ये स्मार्टफोन एक बेस्ट स्मार्टफोन निकल कर आता है। एंड इस प्राइस के अंदर मैं आप इस स्मार्टफोन को एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बोल सकता हूं, जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। तो ये तो रही बात Vivo के V40 स्मार्टफोन की, और जल्द मेरे चैनल पे आपको Vivo V40 Pro स्मार्टफोन की वीडियो भी मिलने वाली है, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।